खाकी की किरकिरी हिस्ट्री शीट है, व्हाट्सएप कॉल पर दे रहा है धमकी, अब सर्विलांस टीम करेगी ट्रेस। कानपुर में बर्रा के हुक्काबार में डॉक्टर दंपति की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। हिस्ट्री शीटर लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सक्रिय है। पुलिस का दबाव होने के बाद ही व्हाट्सएप कॉल करके विरोधियों को धमका रहा है, इसके बाद भी पुलिस अब तक नहीं पहुंच पा रही, जिससे खाकी खूब किरकिरी हो रही है। पीड़िता के पिता ने मामले में पुलिस विनय ठाकुर हुक्काबार संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर, अमन सिंह और चार अन्य अभी भी फरार है। अजय ठाकुर घटना के बाद से अपने करीबियों के संपर्क में है, उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करके खुद को बेगुनाह बताया था। सूत्रों के अनुसार व्हाट्सएप कॉल करके वह उसे संरक्षण देने वाले कुछ सफेदपोशों के भी संपर्क में है। इस बीच उसके प्रकरण में पुलिस की मदद करने वाले कुछ लोगों को अपने व्हाट्सएप कॉल करके धमकाया भी इसके बाद भी कानपुर पुलिस कमिश्नरी की हाईटेक पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकी। सीपी ने दिए जल्द गिरफ्तारी के निर्देश। बड़े बदमाशों तक पहुंचने का दावा करने वाली पुलिस घटना के 2 सप्ताह बाद भी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार नहीं कर सकी, इसे लेकर हो रही किरकिरी पर मंगलवार को CPBP जोगदंड ने DCP साउथ सलमान ताज पाटिल को फोन पर अजय को जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। विनय ने छात्रा को बीच सड़क पर जमकर पीटा था। बीते दिनों हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर ने अपने घर पर लगे CCTV कैमरे के फुटेज को वायरल करके खुद के बेगुनाह होने का दावा किया था। पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो ही विनय ठाकुर व अजय ठाकुर को सख्त सजा दिलाने में मददगार साबित होगा। दरअसल पुलिस ने जब वीडियो की गंभीरता से जांच की तो उसमें विनय ठाकुर छात्रा को बीच सड़क जमीन पर गिराकर मारता पीटता नजर आया है। वहीं अजय ठाकुर अपने घर पर खड़ा सब कुछ देखता रहा, उसने घटना की सूचना पुलिस को भी नहीं दी। क्राइम ब्रांच की सर्विलांस टीम करेगी मदद। CPBP जोगदंड के अनुसार ऐसे में अजय की वारदात में संलिप्तता की पुष्टि है, उसके साजिश रचने के पर्याप्त साक्ष्य पुलिस के पास मौजूद हैं, जिससे उसे सख्त सजा दिलाई जा सकेगी। उन्होंने इसके लिए क्राइम ब्रांच की सर्विलांस टीम से लेकर जरूरत पड़ने पर साइबर विशेषज्ञों की भी मदद लेने के लिए कहा है।